हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नताशा की दुनिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम बेसन, किचन किंग मसाला 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 2 बे लीव्स, जीरा साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर लीव थोड़ा सा, और मैं 2 छोटे छोटे ओनियन को कट कर ली हूँ। तो चलिए आइए बनाते हैं गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी की डो बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में अपने बेसन को डाल दूंगी। उसमें मैं 1/2 टीस्पून के करीब ऑयल ले लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, किचन किंग मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसमें मैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दूंगी और 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी हींग। अब इसको मैं एक अच्छा सा डो तैयार करूंगी। डो तैयार करने से पहले चलिए मैं एक बाउल में पानी को गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं एक पतीला में पानी को गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा देती हूँ ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल को डाल दूंगी, बिल्कुल हल्का सा। और अब चलिए मैं डो तैयार कर लेती हूँ। सबसे पहले हम अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी डालकर ये देखिए, इसी तरह से मैं इसका पूरा अच्छे से इसे अच्छे से गूंध लूंगी। ये देखिए, ये मैं इसका अच्छे से डो तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरा डो अच्छे से हो चुका है। अब इसे मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसे इस तरीके से दोनों तरफ से आप इसे ऐसे बंद कर दे, दबा दबा कर अच्छे से उसे लंबे लंबे, ये देखिए, ताकि ये फटा ना रहे। ये देखिए, ये मेरा सारा हो चुका है। अब इसे जो मैं गर्म पानी उबलने के लिए चढ़ाई थी, अब उसको उस पर मैं इसे डाल दूंगी। तो चलिए इसे डालते हैं। ये देखिए, मेरा पानी अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें मैं अपने सारे जो मैं बनाई थी बॉल्स, उसको मैं सारे इस पानी में अच्छे से डाल दूंगी।
ये देखिए, अब इसे धीरे धीरे आपको चलाना है। ये अब थोड़े देर के लिए मैं छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। और ये देखिएगा, पकने के बाद ये ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगा मतलब कि हमारा ये पक चुका है। बीच बीच में आप उसे चलाते रहें ताकि वो बर्तन में नीचे ना चिपके। ये देखिए, ये देखिए मेरा सारा जो बॉल्स थे वो देखिए हमारा ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये मेरा अच्छे से पक चुका है। ये देखिए बिल्कुल सारा मेरा ऊपर आ चुका है, मतलब कि ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दूंगी। देखिए अब मैं ये मेरा अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसे सारे एक प्लेट में निकाल दूंगी। ये देखिए अब इसे मैं थोड़े देर अच्छे से ठंडा होने दूंगी, उसके बाद हम इसका कट करेंगे। तो चलिए इसे थोड़े देर ठंडे होने देते। ये देखिए मेरा ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे कट करूंगी। ये देख, एक चाकू के हेल्प से आप इसको इस तरह से कट कर ले सारे को। ये देखिए ये मेरा कट हो चुका है। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। ये देखिए मैं सबसे पहले अपने कढ़ाई को गर्म कर लेती हूँ। उस पर मैं सरसों का तेल डाल दूँगी बिल्कुल 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए जब ये गर्म हो जाएगा अच्छे से तब हम इस पर फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं अपने सारे गट्टे को डाल दूंगी। और इसे बिल्कुल अच्छे से आप इस तरह से फ्राई कर ले जब तक ये थोड़ा हल्का ब्राउन नहीं होता है। इसे हमें फ्राई करते रहना है। शुरू में आप इसे बिल्कुल फुल फ्लेम में फ्राई करें, उसके बाद आप थोड़ा इसे कम कर दे फ्लेम को अपने। ये देखिए थोड़ा हम इसे फ्राई होने देते हैं। बीच बीच में आप इसे इस तरह चलाते रहेंगे तो फिर ये एक साइड जल जाएगा। ये देखिए ये देखिए ये मेरे अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप इसे बिल्कुल पलट कर अच्छे से अलट पलट कर इसे फ्राई करें, नहीं तो ये थोड़ा कच्चा रह जाएगा। ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी। ये देखिए अब मैं इसे बाहर ऐसे इसे सारे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे सारे निकल चुके हैं। अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। तो चलिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ये देखिए अब उसी पैन में मैं अब ऑयल डालूँगी। ये मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ली हूँ। अब इसे मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी। ये देखिए ये मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी साबुत जीरा और
2 bay leaves. इसे मैं अच्छे से भून लेती हूँ पहले. इसे थोड़ा भून लेने देंगे. ये देखिए हो चुका है, भून चुका है मेरा. अब इसमें मैं ओनियन को डाल दूंगी. अब हमें इसे अच्छे से फ्राई हो लेना है. गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो इसे हमें अच्छे से फ्राई करते रहना है. फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देसी टाइप का गट्टे की सब्जी है. ये देखिए अब इसे मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेती हूँ. ये देखिए मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है. अब इसमें मैं डालूँगी 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटा कटा हुआ टमाटर. इन दोनों को मैं दोनों को डाल दूँगी और इसे फ्राई कर लेंगे. इसे मैं 2 मिनट फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्ची महक जो होती है वो चली जाए. उसके बाद इस पर हम अपने सारे मसाले डालेंगे. ये देखिए मेरा ओनियन और टमाटो फ्राई हो चुका है. अब इसमें मैं डालूँगी अपने सूखे मसाले. मैं 1/2 teaspoon धनिया पाउडर, आप जो तीखा खाते उस हिसाब से इसमें चिल्ली पाउडर डालें, थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर और ये किचन किंग मसाला, इन सबको मैं डालकर अब अच्छे से फ्राई करूँगी. इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी. अब इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक ऑयल हमारा पूरा ऊपर ना आ जाए फ्राई होकर अच्छे से. तो चलिए इसे अच्छे से फ्राई करते हैं. ये देखिए ये मसाला मेरा अच्छे से फ्राई हो रहा है. इसे आप धीमी आंच पे करें नहीं तो आपका मसाला चिपक जाएगा नीचे से. अब इस स्टेज में मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी. इसे आप चला लें अच्छे से. अच्छे से फ्राई होने देते हैं. नमक डाल देने से आपका टमाटर अच्छे से गल जाएगा. ये देखिए अब इसे हम अच्छे से थोड़े देर और मैं इसे 3 से 4 मिनट फ्राई करूँगी. ये देखिए मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है. अब इसमें मैं डालूँगी अपने गट्टे जो मैं फ्राई कर कर रखी थी. सारे को मैं इस तरह से इस पर डाल दूंगी. अब इसमें मैं डालूंगी अपने गट्टे का स्टॉक जिसमें मैं अपने गट्टे को उबाली थी उसी स्टॉक को मैं इसमें डालूंगी. और इसे मैं 1 मिनट तक
अच्छे से फुल फ्लेम में पहले पकाऊंगी। इसको आप चलाते रहे। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। इसे मैं अब 3 से 4 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी ताकि मेरा इसका जो ग्रेवी है वो पूरे गट्टे के अंदर तक चली जाए। तो चलिए 3 से 4 मिनट तक इसे पकने देते हैं। मेरे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इसे हम खोलकर देखते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी, कितना लजीज गट्टे का सब्जी दिख रहा है। ये मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब थोड़ी देर इसे मैं फुल फ्लेम में फ्राई कर लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें इसका स्टॉक जो बचा हुआ था। इसे आप बिल्कुल ना फेंके, इससे ग्रेवी और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए इसे ही आप इसमें यूज़ करें। ये देखिए इसे आप फुल फ्लेम में से 2 से 3 मिनट से पकने दूंगी। अब इसमें थोड़ा इसको मैं इसे कवर कर देती हूँ और 2 मिनट के बाद मैं इसे ढक्कन को इसके हटाऊंगी। ये देखिए अब मैं इसे इसको ढक्कन को हटाकर इसे मैं ये देखिए चला लेती हूँ। ये देखिए मेरा गट्टे के सब्जी बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है, बिल्कुल ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए मेरे गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। अब इसमें मैं धनिया पत्ते से गार्निशिंग कर दूंगी। आई होप आपको मेरी गट्टे की सब्जी अच्छी लगी होगी। इसे आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं, ये दोनों में ही बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही रेसिपी के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें, इसके लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।